नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे SSSC ग्रुप डी के बारे में। हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में आपको पता है, 4 दिन में 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम पूरा हुआ है। तो अभी बात कर लेते हैं, ये न्यूज़ जो है कुछ कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी होगी, कुछ के लिए काफ़ी बुरी होगी, लेकिन अपडेट यह काफ़ी बड़ा है। इसमें क्या है, आपकी सारी जो भर्ती है उसे रद्द कराने के लिए पत्र लिखा जा चुका है SSSC के चेयरमैन को, ठीक है, जो भारत भूषण भारती जी हैं उनको जो पत्र लिखा जा चुका है। मैं आपको पत्र भी दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले खुद कंफर्म किया है उसके बाद ये वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब पत्र लिया और उसके बाद वीडियो बना दिया, ठीक है। और मंडे को जो आपकी भर्ती कोर्ट में भी जा सकती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा सारी चीज़ें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो उसका कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो हरियाणा में निकली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो। और दोस्तों, हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, आप वहाँ जरूर जुड़ जाएँ, उससे फ़ायदा ही होगा। करीब 500 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं। और एक बात और, कई बार क्या है, टेक्निकल इशू की वजह से यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजा तो आप तक अपडेट नहीं पहुँच पाता है, तो उसमें हम सारे जो वीडियो पोस्ट कर देंगे जिनका अपडेट नहीं पहुंचेगा, तो सारी अपडेट आप तक मिलती रहेंगी। अभी चलते हैं सीधा उस पत्र पर, आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये हो पत्र, ठीक है, ये सर्कुलेट हो रहा है काफ़ी। तो इसके बारे में पहले मैंने इसे पत्र को देखा, फिर मैंने यहाँ एक भाई हैं ये अजय सांगवान, इनसे कॉन्टैक्ट किया, तब मैंने कन्फर्म किया कि जो ये सारी बात है ये सच है। तो इसमें क्या क्या हुआ है ये आप देख लीजिए। सेवा में चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के परीक्षा को रद्द करने के बारे में, तो इसमें यही बताया, आप इसे पढ़ लें। वीडियो को यहीं पर रोककर मैं आपको बता देता हूँ मेन बातें क्या, अदरवाइज काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 10 नवंबर को ग्रुप डी की परीक्षा ली गई थी, सुबह और शाम को हुई थी, ठीक है, और 11 नवंबर 17-18 को आपको पता 4 दिन परीक्षा हुई थी। तो 4-5 जो पर्सन है 11 नवंबर की परीक्षा में दोबारा पूछे गए थे, जो कि 10 नवंबर की में भी आए थे, और आगे जो परीक्षा उन्होंने पैटर्न सेम रहा है जैसे बताया गया है, जिसमें गणित में समीकरण, समानांतर, कैलेंडर, अंग्रेजी, रीजनिंग के प्रश्नों में केवल आंकड़े बदलकर पूछा गया है। तो इसमें बताया गया है 11, 17, 18 के जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी उन्हें कम से कम 15 से 20 नंबर का अतिरिक्त लाभ हुआ है, तो 10 नंबर को जो परीक्षा हुई थी उनके साथ धोखा हुआ है, इस टाइप से बताया गया है। तो ये देखिए, ग्रुप डी में लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा दी थी, जिसमें मेरिट में आने के लिए एक एक अंक काफ़ी महत्व रखता है। तो 10 को जो परीक्षा हुई थी उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन 10 से 15 नंबर अभ्यर्थी मेरिट से पीछे हो जाएंगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये लास्ट की लाइन पढ़ लें आप, ऊपर का मुद्दा आपको पहले भी पता होगा शायद, तो देख लीजिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया इस परीक्षा की ओर संज्ञान लेकर कोई उचित निर्णय लें, ताकि 10 नवंबर को जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है उनके साथ किसी प्रकार का शोषण न हो। आपसे अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द इस विषय पर कोई ठोस कदम उठाएं, नहीं तो मजबूरन होकर न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पत्र पढ़कर हमने पहले इन भाई से कॉन्टैक्ट किया, अजय सांगवान से जो हैं इसमें, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ही बात है, और जो ये नंबर दिए गए हैं 500 कैंडिडेट के दिए गए हैं, तो हमने अजय सांगवान से जी से बात की है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिस भाई को डाउट हो कि जैसे फेक न्यूज़ है या जो कुछ भी। और उन्होंने क्या है, एक लिंक का ग्रुप भी दिया, वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप वहाँ जुड़ना चाहें, जैसे अपने डाउट क्लियर करना चाहें, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। ये हमने कुछ ये लेटर नहीं बनाया और ना ये कोई फेक न्यूज़ है, ठीक है। तो उन्होंने और क्या बताया वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसमें बताया गया है कि जैसे उन्होंने ये लेटर लिखा है और वकील से भी उन्होंने बात कर ली है, तो उन्होंने ये बोला है कि 1-2 दिन का बोला गया है, अगर इनका मुद्दा ये है इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाए या फिर एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, तो एक एक्सपेक्टेशन के तौर पर जैसे बड़ी परीक्षा हुई है तो परीक्षा तो शायद रद्द नहीं होगी, तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना गलत है कि हम जैसे हम कोई निर्णय नहीं ले सकते कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या होगा, वो उसके बाद ही फैसला होगा। तो उन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए या परीक्षा को रद्द किया जाए। तो ये करीब 55 कैंडिडेट इन्होंने बताए हैं, जैसे 55 कैंडिडेट ये जुड़े हुए हैं इस भर्ती के ऊपर जिन्होंने ये लगाया है। और उन्होंने बोला है अगर जैसे 2-3 दिन में कुछ नहीं होता है तो मंडे को PIL जारी कर दी जाएगी, मतलब क्या है, रिट लगा दी जाएगी। रिट क्या है, जैसे कोई भी कोर्ट में केस लगता है तो उसमें पहले रिट लगाई जाती है, ठीक है, तो याचिका लगा दी जाएगी और फिर उसमें कोर्ट में केस अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी तक ये अपडेट था, जैसे ही इसका आता है, जैसे रिट नंबर वगैरह जो कुछ भी आती है वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक यही है कि अभी तक जो उनसे जवाब मांगा गया है, जैसे SSC चेयरमैन को ही लिखा है इन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को, ठीक है, तो अगर उनसे जैसे ऐसा कुछ जवाब आता है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कुछ भी किया जाएगा, वो आप तक अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि हम जो हैं अजय सांगवान जो भाई इनके कॉन्टैक्ट में हैं। और आप भी जो भी कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो डाला था
तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, ये न्यूज़पेपर है ही नहीं। तो जिस भाई को डाउट हो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर इसमें साफ साफ दिए गए हैं और आप लिंक में भी जुड़ सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे कि इसका मतलब क्या है न्यूज़ का, लेकिन जो अपडेट आया था वो आपको देना था। और एक चीज़ मैं आपको और बताना हूँ, जो ये अपडेट हमने दिया है ये बिल्कुल सच है, ठीक है। और बाकी नंबर दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें इसके बारे में, जो हमने ये वीडियो बनाया है इसके बारे में आपको क्या राय है, ये जो पत्र लिखा गया है, जो भी मुद्दा है इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ।